प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। सभी नागरिकों को 1 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे आम नागरिक हो, स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आप लोग 1 लाख रुपए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद तुरंत आपको मिलेगा। दोस्तों 1 लाख रुपए के लिए कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने इस चैनल मौर्य गुरु अकेडमी के माध्यम से। यदि आप भी बिहार के रहने वाले किसान हैं तो हमारा इस वीडियो पूरा ध्यान से देखें। ठीक है, आपको बता दें कि मेन मुद्दा ही दिखाएंगे और मेन मुद्दा ही बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आपको इस वीडियो में मेंस आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सूक्ष्म यहां पर बताया जा रहा है कि सिंचाई एक उन्नत सिंचाई प्रणाली है जिसके द्वारा पौधे के जड़ क्षेत्र से विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाइपों द्वारा काम जी हाँ दोस्तों समय अंतराल पान पर पानी दिया जाता है, यहाँ पर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त टॉप अप प्रदान करते हुए सभी श्रेणी के कृषकों को ड्रॉप जी हाँ दोस्तों ड्रॉप अंतर्गत 90% जो है अंतर्गत 75% सहायता प्रदान की जाएगी, यानी 90 से 75% जो है सहायता प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो आप दुकान से भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो, आप चाहे तो साइबर कैफे यानी दुकानदार से भी संपर्क करके ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चलिए जान लेते हैं कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करिएगा आपको होम पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आने के बाद इस पेज पर आपको PMKSY का विकल्प मिलेगा। ठीक है, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह का। उसके बाद अब इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको किसान पंजीकरण संख्या को दर्ज करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसे आपको ध्यान से भरना होगा। मांगे गए सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा और इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी होगी। यदि इस प्रकार हमारे सभी किसान आसानी से इस योजना में आवेदन करें और इसका पूरा लाभ पाएं। दोस्तों इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है तो आप किसी भी दुकानदार से संपर्क करके ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूं कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।